अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और वो होगा एड्रीनल ग्लैंड। हम एड्रीनल ग्लैंड की एनाटॉमी में भी बात करेंगे और हम एड्रीनल ग्लैंड के हॉर्मोन्स और उनकी वर्किंग और साथ ही साथ एबनॉर्मेलिटीज पे भी बात होगी कि अगर एड्रीनल ग्लैंड हार्मोन ना पैदा करे या ज़्यादा पैदा करे तो क्या हो सकता है। फर्स्टली एड्रीनल ग्लैंड क्या होता है स्टूडेंट्स? आपका जो गुर्दा है, आपके जो दो किडनी है आपके अंदर, उन दोनों किडनीज के ऊपर वाली साइड पर एक ग्लैंड है जो कि इस तरह का नज़र आता है। उस ग्लैंड का नाम है एड्रीनल ग्लैंड या फिर सुप्रा रेनल ग्लैंड, क्योंकि सुप्रा का मतलब होता है अबव, रेनल का मतलब होता है किडनी। अब ये ग्लैंड आप देख रहे हैं, ये कौन सा है? ये है एड्रीनल ग्लैंड। अब एड्रीनल ग्लैंड अपने कुछ हार्मोन पैदा करता है। वो हार्मोन देखने से पहले हम ये देखते हैं कि एड्रीनल ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है, यानी ये वाला ग्लैंड अपने हार्मोन कब रिलीज करता है। तो इसके लिए देखिए, ये है आपका हाइपोथैलेमस। जब एड्रीनल ग्लैंड पैदा करने हो उस वक्त हाइपोथैलेमस एक फैक्टर बनाता है, एक हार्मोन बनाता है, उस हार्मोन का नाम होता है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। यह है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। ये ब्लड में शामिल किया जाता है और ब्लड के थ्रू ये पहुंचता है एंटीरियर पिट्यूटरी में, ठीक है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। अब एंटीरियर पिट्यूटरी में जब ये आता है तो फिर आपका एंटीरियर पिट्यूटरी एक हार्मोन खारिज करता है, उस हार्मोन का नाम होता है, आपने सुना है, ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। यानी कि ये जो हार्मोन है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक, ये एड्रीनल ग्लैंड पे आके असरअंदाज होगा। अब ये रहा आपका एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड के बेसिकली दो हिस्से हैं, जो इसका आउटसाइड में आप हिस्सा देख रहे हैं इसका नाम है एड्रीनल कॉर्टेक्स, जो इसका इनसाइड मिड में ये हिस्सा मैंने ब्लू रंग का बनाया इसका नाम है एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल मेडुला पे हम पहले बात करेंगे। ये जो मिड कलर का हिस्सा है ये दरअसल कुछ न्यूरल सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं, यानी ये न्यूरॉन्स इसके अंदर होते हैं। तो ये वाला जो एड्रीनल मेडुला है ये हार्मोन दो बनाता है, एक का नाम है एपिनेफ्राइन, आल्सो नोन एज, दिस इज आल्सो नोन एज एड्रेनालिन, या नॉर एपिनेफ्राइन आल्सो नोन एज नॉर एड्रेनालिन। ये दोनों न्यूरोट्रांसमीटर भी हैं, यानी कि न्यूरॉन्स के दरमियान कम्युनिकेशन का काम भी करते हैं, आपके ब्रेन में भी होते हैं, और साथ ही साथ ये दोनों हार्मोन भी है। अच्छा, ये हार्मोन क्या करते हैं? पहली बात, ये हार्मोन रिलीज कब होते हैं? एड्रीनल ग्लैंड के जो हार्मोन है मैंने आपको एक वजह बताई कि वो तब रिलीज होते हैं जब पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ से ACTH आएगा। यहाँ पे दूसरी वजह भी देखिए, जब आप किसी स्ट्रेस में होंगे, जब आप स्ट्रेस सिचुएशन में होंगे, यानी आप स्ट्रेस में हैं, यानी आप एमरजेंसी सिचुएशन में है किसी में, तो उस एमरजेंसी में जो आपका सिंथेटिक नर्वस सिस्टम है वो ये दोनों हार्मोन रिलीज कराएगा। आप मेरे लेक्चर में पिछले में सुन चुके हैं कि सिंथेटिक नर्वस सिस्टम में आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आती है, जैसे आपकी डाइजेशन जो है वो रुक जाती है, आपका प्यूपल जो है वो डायलेट हो जाता है, आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये सारी चेंजेस कैसे आती है? ये दो हार्मोन लेके आते हैं। अब स्टूडेंट्स कैसे सुनिएगा, कैसे? ये जो एपिनेफ्राइन या एड्रेनालिन है, आप AD से याद रखिए, डी से, ये डायलेट करेगा ब्लड वेसल्स को, ये आपके ब्लड की वेसल्स को चौड़ा कर देगा, ये आप यहां पे देख रहे हैं। तो इसके नतीजे में क्या होगा? ज्यादा ब्लड मिलेगा, मोर ब्लड किसको? मसल को, यानी कि जो खून की नालियां आपके मसल्स की तरफ जा रही हैं उनको ये चौड़ा कर देगा, तो यूं आपके मसल्स को ज़्यादा ब्लड मिलेगा। नतीजे में क्या होगा? आपकी बॉडी इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर होगी। उसके साथ ये जो नॉरएपिनेफ्राइन है ये नालियों को तंग नहीं, तंग करता है, खुला नहीं करता। तो ये आप देख रहे हैं, इसने एक नाली को तंग किया, जब नाली तंग हुई तो ब्लड जो है वो लेस हो गया, और ये किधर हुआ? जो नालियाँ आपकी गट की तरफ आ रही है, तो मतलब इन्होंने बॉडी में कुछ जगहों पे नालियों को खुला कर दिया, मसल्स की तरफ जाने वाली नालियाँ, कुछ जगहों पे तंग कर दिया गट की तरफ जाने वाली नालियाँ, ताकि आपकी एनर्जी बचाई जा सके। गट की तरफ एनर्जी कम भेजी जाए, मसल्स की तरफ भेजी जाए, ताकि आप फ्लाइट या फाइट के लिए प्रिपेयर हो सके। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तीन मैंने ऑर्गन्स बनाए हुए हैं। यहाँ पे क्या होता है, गट की तरफ तो ब्लड का फ्लो कम होगा, डेफिनेटली डाइजेशन इनहिबिट हो जाएगी, मसल्स की तरफ ब्लड का फ्लो ज़्यादा होगा। उसके साथ एक काम और होगा, जो आपका लिवर सेल है उसके अंदर ग्लाइकोजिनो
लाइसिस ये अमल शुरू हो जाएगा। इस अमल में क्या किया जाता है, इस अमल में लीवर के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है जो कि बहुत सारे ग्लूकोज पे मुश्तमिल होता है, जैसे ये एक ही मॉलिक्यूल है, इसको तोड़कर ग्लूकोज सिक्रीट कर दिया जाता है। अब वो ग्लूकोज जो है वो आपके ब्लड में आता है और मसल्स की तरफ जाता है ताकि मसल्स को एनर्जी मिले। तो इसलिए इन दोनों हार्मोन्स को आप एमरजेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं। तो एमरजेंसी के दौरान ये दोनों मिलके भी कुछ काम करते हैं। ये तो मैंने इंडिविजुअल इफेक्ट बताया इनके, अब इनके कंबाइंड यानी कि साइनर्जिस्टिक इफेक्ट सुनिए। ये दोनों मिलके इंक्रीज ब्लड प्रेशर, जब आपकी बॉडी की कुछ नालियाँ तंग हो जाएगी तो उसके नतीजे में आपके ब्लड पे प्रेशर बढ़ेगा तो बीपी हाई होगा और इसी तरीके से आपकी हार्ट बीट भी तेज होगी। प्रमोट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, ये ग्लाइकोजन को जैसे मैंने बताया लीवर के अंदर उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ते हैं, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है और सिंथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसने जो चेंजेस लेके आनी होती है ये उसमें हेल्प करते हैं। और आखिर पे इसकी नॉर्मेलिटी यानी अगर आपका ये एड्रीनल मेडुला किसी वजह से ख़राब हो जाए, जैसे कि चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, काट कर उसका एड्रीनल मेडुला निकाल दिया गया, तो उस चूहे ने स्ट्रेस का सामना नहीं कर पाया, यानी कि हमारी स्ट्रेस सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी, हमारी स्ट्रेस टॉलरेंस ख़त्म हो जाएगी, हम लोग सर्दी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, जो हमारी बॉडी में ये जो चेंजेस आती है किसी भी इमरजेंसी के नतीजे में हम इनको फेस नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं जी एड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर, किडनी का ये जो आउटर रीजन है इसमें दरअसल तीन किस्म के सेल होते हैं। एक सेल होते हैं बाहर वाली साइड पे, उनको जोना ग्लोमेरुलोसा कहते हैं, फिर उसके अंदर होते हैं, फिर उसके अंदर तीन लेयर्स ऑफ सेल्स होती हैं। अब वो तीनों मिलके ये हार्मोन बनाते हैं, ये टोटल चार हार्मोन है जो इससे निकल रहे हैं। पहले हार्मोन पे बात करते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स कॉर्टिसोल बनाता है। कॉर्टिसोल एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बोले ये ग्लूकोज को कंजर्व करने वाला कॉर्टिकल हार्मोन है। ग्लूको मीन ग्लूकोज, कॉर्टिकॉइड मीन ऐसा हार्मोन जो एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकल रहा है। एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन याद रखे स्टीरॉइड पे मुश्तमिल होते हैं। अच्छा, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, यानी वही काम करता है जो आपका ग्लूकागॉन करता है, इंसुलिन के उलट काम कर रहा है। अब कैसे ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, आपके लीवर के अंदर ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाता है, यानी कि जो ग्लाइकोजन का बड़ा मॉलिक्यूल होता है उसको तोड़कर उससे ग्लूकोज को निकालता है, यूँ ग्लूकोज लेवल हाई होता है। फिर जो आपके एडिपोज टिश्यू है, ये जैसे आपके एडिपोज टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू वो टिश्यू जहाँ पे आपकी चर्बी है, फैट है, वहाँ पे ये लिपोलाइसिस करवाते हैं, यानी लिपड़ को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरीके से आपके मसल्स के अंदर प्रोटीन कैटाबॉलिज्म करते हैं, यानी प्रोटीन को तोड़कर ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ये क्या करते हैं, ये आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल में इजाफा कर देता है। तो कॉर्टिसोल अगर आप में ज़्यादा पैदा हो जाए तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि कॉर्टिसोल का ओवर होना आपको ज़्यादा भूख लगवाएगा, आपके मसल जो है उनमें वीकनेस आनी शुरू हो जाएगी, आपकी बॉडी में फैट एक्यूमुलेट होने लग जाएगी ताकि आपको ज़रूरत पड़ने पे ग्लूकोज दिया जा सके। तो कॉर्टिसोल को मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी होता है। आगे बढ़ें तो दूसरे हार्मोन पे बात करते हैं, कॉर्टिकोस्टीरोन। कॉर्टिकोस्टीरोन जो है ये एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी है, यानी ग्लूकोज को कंट्रोल करने वाला कॉर्टिकल हार्मोन है, या मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है, यानी मिनरल्स को कंट्रोल करने वाला एड्रीनल कॉर्टेक्स का हार्मोन है। अब ये करता क्या है, बेसिकली ये जी आपके जो किडनी है वहाँ से सोडियम को रीअब्जॉर्ब करवाता है, इसके अलावा ये भी आपका जो ग्लूकोज लेवल है, ब्लड ग्लूकोज लेवल है, उसको बढ़ा देता है ग्लाइकोजन को ब्रेक करवा के। तीसरे हार्मोन पे बात करते हैं, एल्डोस्टेरोन। ये नाम आपने पहले भी सुना हुआ है चैप्टर 15 में। ये एक मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है, यानी कि मिनरल्स के लेवल में इजाफा करेगा। ये भी कैसे करेगा, ये हार्मोन रिलीज होगा, रिलीज होके ये आपका जो नेफ्रॉन है उस पर एक्ट करेगा और जो बेसिकली नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले का वो जो असेंडिंग लिम्ब है वहाँ पे क्या करेगा, वहाँ पे सोडियम को कंजर्व करेगा, तो यूँ आपके ब्लड के अंदर सोडियम लेवल में इजाफा करेगा, इसलिए इसे मिनरेलोकॉर्टिकॉइड कहते हैं। अब बात करें एंड्रोजेंस की, तो एंड्रोजन जो है
एंड्रो लफ्ज मेल के लिए यूज़ होता है। तो एंड्रोजन प्रोड्यूस इन मेल एंड फीमेल, ये फीमेल में भी बनते हैं मेल में भी बनते हैं, लेकिन बेसिकली ये सेक्स करेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, वो करेक्टर जो आप में बालिग होने के बाद आते हैं, जैसे आप में मर्दों के अंदर आवाज़ का भारी होना, मूछे आना, दाढ़ी आना, और ख़वातीन के अंदर ब्रेस्ट एनलार्जमेंट का होना, इन करेक्टर्स को ये कंट्रोल करते हैं। वो कैसे? दरअसल ये मेल के अंदर भी बनते हैं फीमेल के अंदर भी। अब पहले फीमेल में बात करते हैं, फीमेल में ये जो हार्मोन है ये एस्ट्रोजन की तैयारी में हेल्प देता है, और आपको पता है कि एस्ट्रोजन एक फीमेल सेक्स हार्मोन है, ये भी स्टीरॉइड का बना हुआ होता है और एंड्रोजन भी स्टीरॉइड का बना हुआ होता है। मेल में बात करें तो ये हार्मोन मेल के अंदर, ये मेल का साइन होता है, मेल के अंदर ये टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और यानी कि ये रिलीज होकर टेस्टिस पे असरअंदाज होता है, वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन बनाता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि ये दोनों हार्मोन, ये जो एंड्रोजन है ये फीमेल के अंदर भी मेल के अंदर भी सेकेंडरी सेक्स करेक्टर पैदा करते हैं, लेकिन मेल में ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते होते हैं, बड़ी थोड़ी सी माइनर सी अमाउंट में ये पैदा होते हैं। ज़्यादा जो सेक्स करेक्टर को कंट्रोल करते हैं वो एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन ही होते हैं। अब नॉर्मेलिटीज़ पर बात करते हैं, यानी अगर ये हार्मोन किसी में, किसी इंसान में ज़्यादा पैदा हो जाए या कम पैदा हो जाए तो तब क्या होता है? तो अब नॉर्मेलिटीज़ में पहले नंबर पे इनकी डेफिशिएंसी, यानी अगर ये कॉर्टिकल हार्मोन, स्पेशली हम इन एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन की बात कर रहे हैं, अगर ये हार्मोन किसी वजह से आप में डेफिशिएंट हो जाए, फिर जो आपको बीमारी लगती है उस बीमारी का नाम है एडिसन्स डिजीज़। अब जाहिर बात है एडिसन डिजीज़ में क्या होगा, डिस्ट्रिक्शन ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स नहीं काम कर रहा, यह तबाह हो गया है। तो इन हार्मोन्स के ना होने की वजह से क्या होगा, इन हार्मोन्स के ना होने की वजह से जनरल मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस आएगी, क्योंकि ये हार्मोन ग्लूकोज को बढ़ाते हैं, ग्लूकोज जब कम होगा यानी हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है इनकी वजह से। हाइपोग्लाइसीमिया में आपका मेटाबॉलिक सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, मसल्स वीक हो जाते हैं, ठीक है, मसल्स के अंदर जो प्रोटीन है वो जमा नहीं होती, लॉस ऑफ सॉल्ट, इन्होंने सॉल्ट को कंजर्व करना होता है तो सॉल्ट जमा नहीं हो पाते बॉडी में, स्ट्रेस कुड नॉट बी मैनेज्ड, स्ट्रेस आप सामना नहीं कर सकते और डेथ हो जाती है। अगर ये हार्मोन आपके अंदर किसी वजह से एक्सेसिवली सिक्रीट हो जाए, ज़्यादा पैदा हो जाए, अब उसकी बेसिकली वजह हो सकती है आपके इस एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर बनने वाला कोई ट्यूमर, सेल्स तादाद में बढ़ जाती है तो एक्टिविटी बढ़ जाती है। अब उसका रिजल्ट क्या होगा, टू मच कॉर्टिकल हार्मोन, एक्सेसिव प्रोटीन ब्रेकडाउन, क्योंकि ये प्रोटीन को ब्रेक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं तो प्रोटीन ब्रेक होगी, बोन एंड मसल वीक होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि उनमें प्रोटीन एक्यूमुलेट नहीं हो रही, ब्लड ग्लूकोज लेवल में इजाफा होगा क्योंकि ये जो कॉर्टिसोल है ये ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, इसी तरीके से कॉर्टिकोस्टेरोन भी ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। जब ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो फिर आपको डायबिटीज़ यानी शुगर हो जाएगी, और फिर शुगर के कई सारे नुकसान आते हैं, मोटापा भी हो सकता है। अब एंड्रोजन डेफिशिएंसी, अगर ये जो एंड्रोजन यानी कि ये जो सेक्स हार्मोन है ये आप में कम पैदा हो, देन अगर फीमेल में किसी वजह से ये ज़्यादा पैदा हो जाए, अब उसकी वजह भी यही होती है कि एक फीमेल है उसमें फॉर एग्जांपल ये जी एड्रीनल कॉर्टेक्स था, एड्रीनल कॉर्टेक्स में कोई ट्यूमर बना, ट्यूमर के नतीजे में एड्रीनल कॉर्टेक्स बड़ा हो गया, जब ये बड़ा हो गया तो इसने ज़्यादा एंड्रोजन पैदा किया यानी बहुत ज़्यादा हार्मोन। अब अगर फीमेल में ऐसे हो तो उसमें कुछ मेल लाइक करेक्टर आ सकते हैं, मेल लाइक करेक्टर से मुराद है किसी फीमेल में हल्की हल्की मूछें आ जाना, दाढ़ी आ जाना, लेकिन ये कंडीशन थोड़ी रेयर होती है, इतनी आम नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, अगर आपका कोई सवाल है वो ज़रूर कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।